नमस्कार। वर्तमान समय में सच्चे संत के सत्संग के अभाव के कारण भगत समाज भक्ति करने के बावजूद भी दुखी है, और सत्संग के इस अभाव को दूर करने के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्याध्यात्मिक सत्संगों का आयोजन प्रत्येक सप्ताह देश के अलग अलग हिस्सों में किया जाता है, जिससे मानव को सच्चा मार्ग प्राप्त हो रहा है। देखिए सत्संग से जुड़ी हमारी यह पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से ऐसी न्यूज चैनल में। ऐसी न्यूज की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में, जहां पर एक संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग समारोह हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को लेकर जैसे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया था, उसकी जानकारी हमने दिन प्रतिदिन दी। नेपाल देश सहित भारत के 10 आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया गया है। ऐसा ही आध्यात्मिक कार्य यहाँ पे होने जा रहा है। हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। जैसे कि अभी नया साल आ रहा है, आइए इनसे जानते हैं कि नए साल को किस प्रकार सेलिब्रेट करेंगे। नमस्कार सर। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आप जी का? अमनदास। सर आप क्या करते हैं? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ। सर ये जो अभी नया साल आ रहा है, तो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि वो पार्टी मनाते हैं, मूवीज देखते हैं और जो है पिकनिक मनाते हैं, तो आप जी इस नए साल को किस प्रकार सेलिब्रेट करने वाले हैं? जी हमारे परमात्मा बताते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गया है वो बहुत न लगता डार। तो परमात्मा बताते हैं कि हमारे जो मानुष जन्म है, इसका एक एक पण जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो हमें इसे ये पार्टीज़ या कुछ और अदर एक्टिविटीज़ करके इसे गंवानी नहीं चाहिए। हमें परमात्मा की सच भक्ति करनी चाहिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग भक्ति करके हमें अपने मोक्ष का रास्ता जो है वो ओपन करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार मैम। सर साहेब। क्या नाम है आप जी का? खुशी दासी। ये जो अभी नया साल आने वाला है, तो आप जी इस नए साल को किस प्रकार सेलिब्रेट करने वाले हैं? जैसे कि लोग जो है पार्टीज मनाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो आप जी इस नए साल को, एक साल का पहला दिन होता है, तो आप इसको किस प्रकार सेलिब्रेट करेंगे? जी हम ऐसे कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, हम कोई पार्टीज पिकनिक पर नहीं जाते, हम परमात्मा के दिए हुए ज्ञान आधार पर अपनी भक्ति करते हैं। जैसे परमात्मा ने ज्ञान बताया हुआ है, ये मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला हुआ है। परमात्मा जी बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, जैसे तरोवर से पत्ता टूट गिरे बहुर ना लगता डार। ये मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है और भक्ति करने के लिए मिला है। हम सत भक्ति करते हैं परमात्मा के दिए हुए ज्ञान आधार से, और उसी से हमारा मोक्ष होगा, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। सर साहेब। दर्शकों अब हम पहुंच चुके हैं उस मेन पंडाल में, जहाँ पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। देखिए यहाँ पे काफी लोग जो हैं, वो अभी आपको ग्राउंड में दिखाई दे रहे थे, वो यहाँ पे सत्संग सुन रहे हैं। देखिए किस प्रकार अनुशासनशीलता के तहत यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल एकदम सद्विचार इनके झलक रहे हैं, कितनी नैतिकता के साथ यहाँ पे बैठे हैं, शिष्टाचार से बैठे हैं और अपने गुरु जी के प्रवचनों को सुन रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि देखने में व्यवस्था जो देखने में आ रही है, देखो पुरुषों की व्यवस्था बिल्कुल अलग कर रखी है, सेपरेट है, और जो महिलाओं की व्यवस्था है भी अलग है, जो महिलाएं बैठी हैं वो बिल्कुल अलग बैठी हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएं कि किस प्रकार यहाँ पे लोग जो बैठे हैं व्यवस्था को संभाल लें। दर्शकों हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो इस पंडाल में यहाँ पे सेवा कर रही हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये जो लोग इतने व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। नमस्कार मैम। सर साहेब जी। जी आपका नाम क्या है? वंदना दासी। जैसे कि देखने में आता है आए दिन समागम होते रहते हैं, वहाँ पे इतनी भीड़, जैसे कि उनका समूह इकट्ठा होता है, तो एक अव्यवस्था देखने को सामने आती है। यहाँ पे जो जिस प्रकार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शिष्टाचार से बैठे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये हमारे गुरुजी का ज्ञान है, जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया है कि कोई भी भक्त जो भी है उनके, कोई भी बहुत शिष्टाचार से रहते हैं, बहुत आदर समय से सभी माइयों बहनों को देखते हैं, सभी चीज़ों में बहुत परिवर्तन है गुरुजी का। जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है भक्तों का जैसे धरती ऊपर स्वर्ग हो, ऐसे माहौल से हमारे गुरुजी का संस्कार ऐसे हैं कि हम उन्हीं के बताए संस्कारों पर चलते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतनी शांति पूर्वक सभी लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग का आयोजन है वो जगह जगह पे हर एक संडे को किया जाता है। इसी क्रम में आज हमारी टीम है वो झारखंड के रांची ज़िले में आई हुई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, और काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु जन है वो सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। महिला श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में आए हुए हैं, पुरुष श्रद्धालु भी काफ़ी संख्या में आए हुए हैं।
तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ श्रद्धालु उनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, जबकि जो समाज में जो लोग हैं उनका कहना है कि कबीर साहब एक कवि थे, वो पूर्ण परमात्मा या भगवान नहीं थे। तो इन लोगों का क्या विचार है इस चीज़ को लेकर के, आइए जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। सच्चा है सर, क्या नाम है आपका? मेरा रविदास नाम है। सर जो समाज में लोग हैं उनका कहना है कि संत कबीर एक कवि थे और वो भगवान नहीं थे और पूर्ण परमात्मा नहीं थे, इस चीज़ को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, संत कबीर कौन थे? पहले सबसे पहले हम भी एक संत रविदास मतलब कबीरदास को हम एक संत कवि के ही रूप में मानते थे। जब हम गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और उनके पॉली बुक्स के अकॉर्डिंग रेफरेंस दिए कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही है, उसका महिमा हमारे ऋग्वेद में दिया गया है। जैसे सर जो आप बता रहे कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है उसका जानकारी ऋग्वेद में दिया गया है, वो कौन सा श्लोक है या वो कौन सा मंत्र है ऋग्वेद में जिनमें कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताया गया? जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 9 में और सूक्त ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 96 के 16 से 20 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सुक्त 82 के मंदिर 26 और 27 में ऐसे ही और अनेकों प्रमाण हैं मिलते हैं। नमस्कार जी, आज हम पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सत्संग, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन रखा गया है, जिसमें काफी दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। आइए सत्संग के माध्यम से लोगों को क्या शिक्षा मिलती है इसके बारे में आपको रूबरू करवाते हैं। तो हमारे साथ है कुछ संत रामपाल जी महाराज के समर्थक, आइए इनसे जानते हैं कि सत्संग के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? राजेंद्र कुमार दास, मैं ब्लॉक जयपुर से आया हूँ। सर हम आपसे जानना चाहते हैं जो आप लोग ये जगह जगह पर सत्संग करवा करवा कर सत्संग के आयोजन रख रख कर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? हम लोग हर जगह जगह स्थान में सत्संग के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहते हैं कि सही मार्ग, सही भक्ति, सही रास्ता पर चलने के लिए एक मार्गदर्शन दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में क्या क्या योगदान रहे हैं सर? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नशा मुक्त, भ्रूण हत्या, बिना दहेज का विवाह जिसको रमैनी कहा जाता है, और बहुत सारे हमारे गुरु महाराज के हनुमय लोग जन जन पहुँचाने के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कुछ और अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज के जिनसे हम बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमने अभी सत्संग के पंडाल में जाकर देखा कि व्यवस्थित रूप से महिलाएं व पुरुष अलग अलग बैठे हुए हैं, एकदम शांतिपूर्ण हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं और सत्संग सुन रहे हैं, तो सर इन लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलती है सर? जी ये शिक्षा हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मिलते हैं। उनका उद्देश्य है कि जगत हर जगत भाई को एक सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए शिक्षा मिले और वे अपने इस मानव जीवन का कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी प्रेजेंट हूँ यहाँ पर झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में और यहाँ पर जिला स्तरीय सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने एक बुक स्टॉल यहाँ पर लगाई गई है जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित विभिन्न प्रकार के बुकों का यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है और साथ ही साथ इसका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये पुस्तकें दी गई है, इसका भी यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे, आप यहाँ पर अगर सामने देखें तो जो बॉलीवुड एक्टर है अजय देवगन, आदित्य श्रीवास्तव, या यहाँ पर सामने अगर देखने की कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ जी, मैथिली ठाकुर और युवराज सिंह को ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत जैसी पुस्तकें यहाँ पर सौंपी गई है जिसका यहाँ पर फ्लैक्स के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पर सामने आप देखें तो बहुत सारी पुस्तकें रखी गई है। तो यहाँ पर जो
सेवा कर रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे कुछ कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं और ये यहाँ पर स्टॉल लगाई गई है तो किन लोगों को ये वितरित की जा रही है और लोगों में कितनी रुचि दिखाते हैं इन पुस्तकों में इस साइड में भी, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा सत्य प्रकाश दास नाम है जी। कहाँ से आए हो जी? हम रामगढ़ जिला से ही हैं सर। तो सर यहाँ पर जो पुस्तकें हैं, हमने बहुत सारी पुस्तकों का इन पुस्तकों का प्रचार देखा है सोशल मीडिया के माध्यम में, तो सर हम आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन पुस्तकों में स्पेशल क्या चीज़ है और लोगों को, इतने सारे लोगों पर आप लोग ये वितरित कर रहे हो, इसका क्या कारण है? सर ये सारे पुस्तक हमारे सदग्रंथों का है, चारों वेद सभी धर्मों से मिला के ये पुस्तक हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हमारे गुरु रूप में परमात्मा ही आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं द्वारा लिखित हुए हैं सारे शास्त्र ग्रंथों को प्रमाणित करके। जैसे सर आप देखिए ये ज्ञान गंगा बुक है, ये बुक में सर चारों धर्मों से मिला के बनाया हुआ है, चारों वेदों से मिला के बनाया हुआ है इसमें, और इसमें सारे चीज़ जो गुड रहस्य हैं, जो परमात्मा पाने का जो रास्ता है, जो शास्त्र से जो हमारे शास्त्र धर्म शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार चलने के जो परमात्मा का जो नियम विधान बताया इसमें सारे आपको शुरू से मिल जाएगा सर। तो यहाँ पर सत्संग स्थल पर मैं पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बिल्कुल ही अनुशासन पूर्वक बैठकर सत्संग का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देखें तो बहुत ही अनुशासन पूर्वक ये सारे जो श्रद्धालु ये बैठे हुए हैं, एक साइड पंक्तिबद्ध तरीके से बिल्कुल ही अनुशासन पूर्वक पुरुष श्रद्धालु बैठे हुए हैं और एक साइड में ये महिला श्रद्धालु बैठे हुए हैं, और प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग का ये आयोजन किया गया है और बहुत ही श्रद्धा के साथ ये लोग सत्संग सुन रहे हैं। मेरा पूरा शरीर का सिस्टम मेरा ठीक हो गया है, मेरा जो हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम था, चाहे वो सर दर्द से लेकर के रात में मतलब कि अचानक से 2 बजे मेरा पेट खराब होने लगा, मैंने फील होने लगा, मैं गई तो मुझे इतना लूज मोशन होने लगा कि मैं परेशान हो गई, और उसके बाद मैंने परमात्मा के सभी धर्म ग्रंथ तत्वदर्शी संत के सत्संग में जाने को कहते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के सत्संगों से ही मानव को धर्म ग्रंथों के सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और उन्हें सद्भक्ति मार्ग का ज्ञान होता है। आज पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में तत्वदर्शी संत मौजूद है, अतः मानव समाज से निवेदन है कि आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अवश्य सुने और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। मैं विनीत, जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ।